अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 लेसन 6 इंग्लिश क्लास 2 रीडिंग द एल्विस एंड द शूमेकर। एज यू रीड अ स्टोरी आस्क योरसेल्फ हाउ डिड द शूमेकर हेल्प द एल्विस, हाउ डिड दे हेल्प देम। जब हम ये स्टोरी पढ़ ले रहे होंगे तो हम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि हम ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि जो शूमेकर था उसने एल्विस की मदद किस तरह की और उन्होंने उसकी मदद किस तरह की। ठीक है, लेट स्टार्ट। हाउ कैन वी हेल्प द एल्विस, आस्क द शू मेकर्स वाइफ। जूता बनाने वाले की बीवी ने कहा, पूछा कि हम एल्विस की मदद किस तरह कर सकते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, सेड द शू मेकर। जूते बनाने वाले ने कहा, मैं जानता हूँ। देयर क्लॉथ्स आर ओल्ड, उनके कपड़े पुराने हैं। लेट्स मेक देम सम न्यू क्लॉथ्स, उनके कपड़े पुराने हैं, चलो उनको कुछ नए कपड़े बनाकर देते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया, सेड द शू मेकर्स वाइफ। जूते बनाने वाले की बीवी ने कहा कि कितना अच्छा ख्याल है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड ऑल डे, जूते बनाने वाले ने और उसकी बीवी ने सारा दिन काम किया। दे मेड टू शर्ट्स, उन्होंने दो शर्ट्स या कमीजें, टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर के दो पेयर, टू कोट्स, दो कोट एंड टू हैट्स और दो हैट बनाए। दैट नाइट, उस रात दे पुट द क्लॉथ्स ऑन द टेबल, उस रात उन्होंने वो कपड़े मेज के ऊपर रख दिए। देन दे हाइड, फिर वो छुप गए। एट मिड नाइट, आधी रात को द टू लिटल एल्विस रैन इनटू द शॉप, आधी रात को दो छोटे एल्विस दुकान में भागते हुए आए। दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल, और उन्होंने मेज के ऊपर छलांग लगाई। लुक, देखो, दे शाउटेड, वो चिल्लाए, व्हाट ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, कितने खूबसूरत कपड़े हैं, न्यू शर्ट्स, न्यू ट्राउजर्स, न्यू कोट एंड न्यू हैट्स, नई शर्ट्स, नए ट्राउजर, नए कोट और नए हैट हैं। दे पुट ऑन द न्यू क्लॉथ्स, उन्होंने नए कपड़े पहन लिए। एंड डिड अ लिटल डांस, और थोड़ा सा डांस किया। Then they ran out of the shop, और फिर वो दुकान से भाग गए। The Elvis did not come back, Elvis दोबारा वापस ना आए। But lots of people came to the shoemaker shop, लेकिन बहुत से लोग जूते बनाने वाले की दुकान में आए। And they all wanted to buy his shoes, और वो सब उसके जूते खरीदना चाह रहे थे। He made good shoes, वो अच्छे जूते बनाता। And they paid him lots of money, और वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देते। Soon, जल्द ही he became rich, वो अमीर हो गया। And he and his wife lived happily ever after, और उसके बाद soon he became rich, वो जल्द ही वो बहुत अमीर हो गया, और उसके बाद वो और उसकी बीवी हमेशा खुश रहे। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये था यूनिट 5 का लेसन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया विद ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये है पेज नंबर 32। आज के लिए इतने ही काम होगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।